Now, class 4, we are going to start our lesson number 7, topic measurements, exercise 5C. Now, open page number 120 of your book. Volume capacity. Capacity is the maximum amount that something can contain. Volume is the amount of a space that a liquid or object occupies or that is enclosed within the container. यूनिट जो वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होते हैं लीटर एंड मिलीलीटर. 1 लीटर 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर को हम ऐसे भी शो करते हैं 1000 मिलीलीटर. नाउ क्लास 4 वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5C इन आवर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ऑन पेज नंबर 123 यू हैव एक्सरसाइज 5C. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ए, देयर आर डैश मिलीलीटर इन 8 लीटर. 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8000. नाउ बी, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर. 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, किसके इक्वल होता है ये, 1 लीटर के. सी, मिलीलीटर इज अ डैश यूनिट देन लीटर. मिलीलीटर जो है यूनिट लीटर से स्मॉलर यूनिट होता है या ग्रेटर यूनिट होता है. यस, स्मॉलर यूनिट होता है. राइट हियर स्मॉलर. फिफ्टीन लीटर 12 मिलीलीटर इज सेम एज डैश मिलीलीटर. आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आपके पास आ जाएगा 15,012. वन 20 लीटर एंड 116 मिलीलीटर एंड 100 लीटर एंड 825 मिलीलीटर टूगेदर इक्वल्स टू डैश लीटर एंड डैश मिलीलीटर. आपने ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 220 लीटर एंड 941 मिलीलीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स. ए, टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ऑफ लीटर्स बाय 1000. इट इज ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. बी, 25 लीटर इज इक्वल टू 25,000 मिलीलीटर. इट इज ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. Now see, the sum of 29 liter and 35 liter is 640,000 milliliter. It is true? Yes, it is false. D, the difference of 160 liter, 325 milliliter and 90 liter, 890 milliliter is 69 liter and 435 milliliter dash. True aega, false aega? Yes, true. E, 13 liter for 50 milliliter is equal to 345,000 milliliter. True or false? Yes, false. Now, class 4, you have question number 3. Select the correct answer from the given option. You have to solve it by yourself in your textbook. Now open page number 124. You have question number 4. Convert the liters into milliliters. Part A, 35 liter. Question number 4. Convert the liters into milliliters. आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आप इसे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 35 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो यू हैव 35,000 मिलीलीटर. Answer. Now part B, 18 liter 750 milliliter. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, प्लस करना है इसमें 750 मिलीलीटर. आपके पास आ गया ये 18,000, प्लस हो गया इसमें 750 मिलीलीटर. तो आपके पास आ गया आंसर 18750 मिलीलीटर. आंसर. नाउ सी, 129 लीटर. आपने इसे 129 को सेम एज इट इज 1000 से मल्टीप्लाई करना है. आपके पास आ गया 129 मिलीलीटर. आंसर. 25 लीटर 15 मिलीलीटर सेम एज इट इज पार्ट बी की तरह होगा. 25 को आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से, प्लस 15 मिलीलीटर होगा इसमें.
ये हो गया आपके पास 25,000 प्लस 15 मिलीलीटर, दोनों का ऐड कर दिया आपके पास आ गया 5015 मिलीलीटर आंसर। क्लास फोर ऑन पेज नंबर 124 यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी इन योर नोटबुक, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। अब आपने लीटर्स में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए 456 मिलीलीटर। टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। आपके पास है 456 मिलीलीटर। आप क्या करेंगे, 456 को डिवाइड कर देंगे 1000 से डिवाइड किया आपने। आप यहाँ देख रहे हैं कि थ्री डिजिट है आपके पास, 1, 2, 3, तो आपने क्या किया 6, 5, 4 लिख के डेसिमल, और फिर आपके पास आ जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.456 लीटर। आपने इसमें 1000 से डिवाइड करना है, तो इस नंबर से तीन नंबर्स हैं आपके पास, 1, 2, 3, थ्री नंबर्स के बाद डेसिमल आ जाएगा और एक 0 लग जाएगा। नाउ पार्ट बी 9210 मिलीलीटर। आपने इसे भी 9210 मिलीलीटर है आपके पास, आपने इसको भी 1000 से डिवाइड किया, 9210 को 1000 से डिवाइड किया। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, थ्री डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड से, 0, 1, 2, फिर डेसिमल आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा, 9.210 लीटर आंसर आ गया आपके पास। नाउ पार्ट सी 18 मिलीलीटर। आपने 18 मिलीलीटर को भी डिवाइड किया किससे, 1000 से, अब यहाँ पे देखें आपके पास दो डिजिट है, ठीक है, तो आप इससे पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। आपने क्या किया 8, 1, आपके पास तीन डिजिट नहीं है, दो डिजिट है, आपने यहाँ पे 0 लगाया, डेसिमल लगाया, फिर क्या लगाया, 0 लगाया, ये आपके पास आ गया लीटर आंसर। नाउ पार्ट डी 108 मिलीलीटर। आपने 108 मिलीलीटर को डिवाइड कराया 1000 से, ये आपके पास आंसर आ गया 801, फिर डेसिमल 0 लीटर। नाउ आपके पास पार्ट ई में 550 मिलीलीटर है, आपने इसको भी सेम एज इट इज़ 550 मिलीलीटर, 550 डिवाइडेड बाय 1000, 1, 2, 3 डिजिट है आपके पास, डेसिमल, फिर 0 लीटर आंसर। नाउ क्लास फोर ओपन पेज नंबर 130 ऑफ योर बुक, वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5D इन अवर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्वार्टर टू 7 इज फिगर्स इन इज रिटन एज डैश। क्वार्टर टू 7 इन फिगर्स वी इज रिटन एज 7:45 PM इन 24 आवर्स क्लॉक विल बी। आपने इसको 24 आवर क्लॉक में लिख के बताना है। 7:45 PM को तो क्या हो जाएगा, 19:45 आवर्स। नाउ सी द टाइम 10 मिनट्स अर्लियर देन 4:15 इज, 4:15 से 10 मिनट अर्लियर आपके पास आ जाएगा 4:05, 4:05 यानी। डी quarter past 3 एज मॉर्निंग टाइम इज, आपने मॉर्निंग टाइम में बताना है quarter past 3 को, आपके पास आ जाएगा 3:15 AM। ई 3 o'clock एज इवनिंग टाइम, आपने 3 o'clock को बताना है इवनिंग टाइम में, तो आप कैसे बताएंगे, 3 PM। नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखना है आपने। ए 4:15 PM इन 24 आवर क्लॉक विल बी 16:15, इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। नाउ बी 6:25 आवर्स इन 12 क्लॉक will be 18:25 AM,
इट इज ट्रू और फॉल्स? यस इट इज फॉल्स. सी 4 hours 35 minutes इज इक्वल टू 275 मिनट. 4 hours 35 minutes इक्वल होता है 275 मिनट्स के. यस इट इज ट्रू. डी 1 hour 10 minutes 5 seconds इज इक्वल टू 4260 seconds. इट इज ट्रू? नो इट इज फॉल्स. द सम ऑफ 13 hours 45 minutes एंड 10 hours 10 minutes इज 23 hours 55 minutes. इट इज ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू.